अस्सलामुअलैकुम, जय हिंद मेरे भाइयों। मैं आपकी बहन सैयदा नाहिदा खादरी। जैसे कि आप लोग जानते हैं, आज 11th अगस्त ट्यूसडे यानी मंगल का दिन है और इस वक्त मैं रक्षापुरा मेरी में आई हूँ, जहाँ पर ये आंटी अंकल दोनों रहते हैं। ये एक कमरे की इनकी जिंदगी है। ये आंटी इस वक्त बहुत ज्यादा परेशान है, मेरे ऑफिस पर आई थी रोते हुए। बहुत तकलीफ में है बेचारी, क्योंकि इनके पास इस वक्त खाने के लिए राशन तक नहीं है। आंटी चाहती है कि उनके शोहर को तरकारी का कारोबार ला कर दिया जाए। अंकल जो है पहले कारपेंटर की दुकान में काम करते थे, लेकिन वहां से भी इन्हें निकाल दिया गया है। बोलिए जी। हाँ, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे शोहर को तरकारी की मंडी लगा के दे मंडी। मेरा एक 12 साल का बच्चा है। हम तीनों मेहनत करके जी लेते। मकानदार को भी पैसे देना है। हम बहुत परेशान हैं। अल्लाह आप लोगों का अजर देगा, हमारी परेशानी दूर करे। तो राशन तक नहीं है। बहुत मैडम के पास आई हुई थी मैं। मैडम कने आप लोग जितना हो सके उतना जल्दी मेरी मदद करो। बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि आंटी के जो शौहर है इनका हाथ भी टूटा हुआ है, ऑपरेशन भी हुआ हुआ और इनके पेट का ऑपरेशन हुआ सो है। ये ज्यादा वजन भी नहीं उठा सकते, ज्यादा काम नहीं कर सकते। और ये एक कमरे की जिंदगी है। लोगों के घर का किराया भी इन्हों बाकी है, 4000 रुपए इनके घर का किराया है। और तरकारी की जो मंडी का हम इन्हें कारोबार ला कर देना चाहते हैं, वो 11000 रुपए का, 6000 रुपए की मंडी है और 5000 रुपए की तरकारी, और साथ में उसके तराजू वगैरह जो दिलाना पड़ता है। टोटल इनको 11000 रुपए कारोबार के लिए और 4000 रुपए इनके घर का किराया है। टोटल इन लोगों को 15000 रुपए की मदद की सख्त जरूरत है। देखिए, आप लोग चाहे तो 1000, 2000, 3000 करके मदद दे सकते हैं। आप लोग डायरेक्ट आकर पंडित दिला सकते हैं, डायरेक्ट आकर तरकारी दिला सकते हैं, तराजू दे सकते हैं। जैसे चाहे आप लोग अपने हाथ से भी आकर देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। क्योंकि इस वक्त ये लोग देखिए एक कमरे की जिंदगी है लोगों की। बस यहीं पर एक कमरे में रहते हैं, मियां बीवी और एक बेटा है इनका, 12 साल का बच्चा है। और इनको 5 बेटियां हैं। 5 बच्चों की भी शादी आंटी बहुत मुसीबतों से, लोगों से कैसे भी कर्जा करके बच्चों की शादी कर चुकी हैं। लेकिन इस वक्त इनके घर के हालात बहुत ज्यादा खराब है। अंकल काम पे नहीं जाने की वजह से आंटी के पास खाने के लिए राशन नहीं है। बहुत तकलीफ में है बेचारी, मेरे पास भी आकर बहुत रो रही थी। बस मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग देखिए ऐसे मुस्तहिक लोगों की, मजबूर लोगों की मदद करेंगे तो जाहिर सी बात है अल्लाह ताला भी आप लोगों से खुश होगा, और जाहिर सी बात है आप लोगों को इसका बराबर अज्र सवाब मिलेगा इन लोगों की मदद करने का। बस हमारा मकसद ये है कि ऐसे कहीं मुस्तहिक लोगों की मदद करना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए आप लोगों का सपोर्ट और आप लोगों की दुआएं होना बहुत जरूरी है। खुदा हाफिज़। जय हिंद।